नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट में सिडनी में खेला जा रहा है और भारत इस मैच में अपना कब्जा बनाए हुए है। पहले दिन से भारत इस मैच में अपना दबदबा बनाए हुए है। शुरुआत किया केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने। केएल राहुल का बल्ला फिर से खामोश रहा, लेकिन मयंक अग्रवाल ने फिर से अपनी तूफानी पारी खेली, 77 रन बनाए। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने पारी संभाली, 193 रनों की पारी खेली। पहले दिन भी बैटिंग करते रहे और दूसरे दिन भी बैटिंग करते रहे और उनका साथ दिया। बीच में हनुमा बिहारी के साथ अच्छी साझेदारी बनी थी, लेकिन एक गलत फैसले की वजह से हनुमा बिहारी आउट करार दे दिए गए, लेकिन उनका साथ दिया। फिर ऋषभ पंत यहाँ पे कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे थे, 159 रन बनाए। नवाद रहे जडेजा के साथ मिलकर, उन्होंने 204 रनों की साझेदारी की। जडेजा ने 81 रनों की पारी खेली और 622 रन की जो बड़ी पारी खेली टीम इंडिया ने, और ऑस्ट्रेलिया के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही ऐसा डर डर के खेल रही थी, बल्लेबाजी करने आई। और यहाँ पे 300 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिमट गई। और इन सब के पीछे जो मैच के हीरो रहे हैं वो है कुलदीप यादव, जो बल्लेबाजी में 193 रन बनाकर चेतेश्वर पुजारा हीरो बने थे, वहीं कुलदीप यादव 5 विकेट निकाल कर मैच के हीरो बन गए हैं। अभी तक कुलदीप यादव ने कमाल के यहाँ पे गेंदबाजी की, 99 रन दिए हैं 31 ओवर फेंक के, और यहाँ पे 5 विकेट्स निकाले और 5 महत्वपूर्ण विकेट्स निकाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आज चौथे दिन देखने को मिला, बारिश की वजह से ये मैच हो नहीं पाया। सिर्फ 35 ओवर का मैच खेला गया यहाँ पे और भारत ने 35 ओवर के मैच में 4 विकेट्स भी निकाले और फिर ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन भी दे दिया, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 6 रन बना के खेल रही है। अब पांचवें दिन के मैच में टीम इंडिया के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि क्या मौसम सही होने वाला है, क्योंकि आज पूरे दिन का मैच मौसम ने बर्बाद कर दिया और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कल भी सिडनी का मौसम ऐसा ही होने वाला है। तो क्या अगर मौसम सुधार नहीं होता तो टीम इंडिया इतनी मेहनत करके जो इतना बड़ा स्कोर हासिल की है, हमारे गेंदबाजों ने इतनी मेहनत करके जो ऑस्ट्रेलिया को 300 रनों पर ही समेट दिया है, जिसके बाद फॉलो ऑन विराट कोहली ने दे दिया है, इतनी मेहनत जो टीम इंडिया ने की है, क्या इस मेहनत को जीत में बदल पाएंगे या नहीं, ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कल का मैच। क्योंकि मौसम अगर साफ होता है और टीम इंडिया यहाँ पे 90 ओवर की गेंदबाजी करती है तो यहाँ पे मैच जीतना बहुत बेहद ही आसान है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज वैसी मनोदशा में नहीं है कि वो आके बल्लेबाजी करे और 322 रन बना सके। अभी तक के जो हमने मैच देखे हैं चारों टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज शतक भी नहीं लगा पाया है। इससे पिछले भी जो 3 टेस्ट मैच हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में भी कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगा पाया है। सिर्फ मार्कस हैरिस ने 79 रनों की पारी खेली थी, उनके अलावा कोई बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं लगा पाया। तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की मनोदशा उतनी सही नहीं है कि वो कल आके यहाँ पे बल्लेबाजी करे और 322 रन बना पाए। लेकिन मौसम पे सबसे अधिक डिपेंडेंट है टीम इंडिया। अगर यहाँ पे मौसम साफ होता है और टीम इंडिया को 90 ओवर खेलने को मिलते हैं तो यहाँ पे टीम इंडिया आसानी से जीत लेगी। साथ ही विराट कोहली के पास राइट टू मैच कार्ड भी है, तो वो आधे घंटे एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं यहाँ पे, अगर उनको लगता है कि मैच का कोई रिजल्ट निकलने वाला है। लेकिन इन सब के लिए ये चाहिए कि कल मौसम साफ हो। अगर कल का भी मौसम आज के मौसम की तरह रहा तो टीम इंडिया ये मैच गंवा देगी, हारेगी नहीं लेकिन ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। और जो इतनी मेहनत की है हमारे पूरी टीम ने, बल्लेबाजी ने भी और गेंदबाजी ने भी, उन सब पे ऐसा कह सकते हैं कि पानी फिर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा पहली बार होगा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया हो और सीरीज पे कब्जा किया हो। भारत फिलहाल इस सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है और अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी होता है तो भारत ये सीरीज जीत जाएगा। लेकिन सीरीज जीतने की खुशी तो इसी में है कि भारत 3-1 से जीते और जो इतनी मेहनत दिखी है वो मेहनत साकार हो। तो फिलहाल ये सब होगा मौसम के ऊपर, मौसम कैसा रहता है ये कल पता चलेगा, और जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।